बॉलीवुड के नए नए सितारों की एंट्री होने लगी है और जो पुराने सितारे हैं वह धीरे धीरे बूढ़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो 50 साल पार कर चुके हैं और अब बूढ़े होने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं। 5वें नंबर पे है सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के भाई के नाम से जाने जाते हैं सुनील शेट्टी ने 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके बाद सुनील शेट्टी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और कई फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन फिलहाल सुनील शेट्टी फिल्मों में कुछ दूरियां बना ली है और वह ज्यादातर फिल्मों में नजर नहीं आते। आपको बता दें कि सुनील शेट्टी 57 साल के हो चुके हैं। 4वें पायदान पे है शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान के नाम से जाने जाते शाहरुख खान भी अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की उम्र है 53 साल की। शाहरुख खान ने 1993 में दीवाने फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू शुरू की थी और इसी के साथ इनकी आखिरी फिल्म जीरो थी जो कि 2018 में फ्लॉप साबित हुई थी। 3रे पायदान पे है आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते आमिर खान की भी उम्र ढलने लगी है। हाल में आमिर खान 54 साल के हैं और उन्होंने बॉलीवुड में 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक से डेब्यू शुरू की थी और उनकी आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। 2रे पायदान पे है सलमान खान। वहीं बात करते हैं बॉलीवुड में भाईजान के नाम से जाने जाते सलमान खान के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं, लेकिन अब यह सुपरस्टार भी बूढ़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें हाल में सलमान खान 53 साल के हैं। सलमान खान ने 1983 फिल्म में बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू शुरू की थी और उनकी आखिरी फिल्म 2018 में रेस 3 आई थी जो दर्शकों को पसंद नहीं आई थी। 1ले पायदान पे है सनी देओल। करते हैं सनी देओल के बारे में जो कि बॉलीवुड में तीनों खान से पहले से अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने 1982 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू की थी और उनकी आखिरी फिल्म भैया जी सुपरस्टार थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि हाल ही में सनी देओल की उम्र 62 साल की है। दोस्तों इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।